सब्सक्राइब कीजिए सबका हेल्प यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का सबका हेल्प यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मेटल क्लीनर बनाने के बारे में बताएंगे। आप अपने घर पर ही मेटल क्लीनर बना करके और मार्केट में आसानी से इसे आप बेच सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको तीन इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता होगी। पहला आपको साल्ट नमक की आवश्यकता होगी 25 ग्राम, और दूसरा आपको चाहिए एसिटिक एसिड 250 ml, और तीसरा आपको चाहिए DMRRO वाटर 250 ml। ये मैं आपको 500 ml बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसका कंपोजिशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। किस प्रकार से आपको बनाना है, इसके लिए हमने एक प्लास्टिक का जग लिया है, और इसमें हम जो है ये RO वाटर है, इस RO वाटर को हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में आपको इसमें जो है ये एसिटिक एसिड 250 ml आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद में आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये मेटल क्लीनर बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा मेटल क्लीनर बनेगा, तो इसे आप आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने घर पर ही बना करके। इसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें जो है ये साल्ट जो 25 ग्राम हमने लिया था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसमें जो है फ्रेग्रेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और आप इसमें कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया है। और आप अगर चाहें तो इसमें आप कलर और फ्रेग्रेंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये 500 ml का फार्मूला हमने बताया है। इस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में 70 रुपये में बिकते हैं, यानी अगर आप मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ये मार्केट में आपको 500 ml का जो है बोतल आपको 70 रुपये में मिलेगा। तो इस प्रकार का मेटल क्लीनर आप अपने घर पर बनाइए, और आसानी से आप इसे जो है होलसेल में 50 रुपये में अगर आप सेल करेंगे तो भी आपको जो है काफ़ी मुनाफा होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कितना मुनाफा आपको इसमें होगा। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद में आपको चाहिए इस प्रकार का खाली बॉटल, ये आपको करीब करीब 8 रुपये के हिसाब से आप मिल जाएगा। अगर आप इसे बल्क में परचेज करते हो तो ये 8 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको इसे डाल देना है। दोस्तों इसको इसमें डालने के बाद में आप जो है एक इस पर स्टिकर लगाइए, और स्टिकर लगाने के बाद में आप इसको मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आपका 8 रुपये का बोतल हो जाएगा, और इसके बाद में आपका 1.5 रुपये का स्टिकर हो जाएगा, 1 से 1.5 रुपये का, प्लस इसमें 50 पैसे का आपका नमक हो जाएगा। और जो एसिटिक एसिड है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड आपको 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल जाएगा,
तो 250 ml एसिटिक एसिड आपका 9 रुपये का अप्रॉक्स होगा। तो 9 रुपये वो प्लस 8 रुपये बोतल का 17 रुपये हो गया, प्लस 1.5 रुपये स्टिकर का और 50 पैसे नमक का आपका कुल मिलाकर के 2 रुपये हो, तो 17 × 2 = 19 रुपये। 19 रुपये में आपका 500 ml मेटल क्लीनर बनकर के तैयार हो जाएगा और आप इसे आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं 50 रुपये में, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में 70 रुपये में मिलते हैं, तो आप 50 रुपये में आसानी से इसे बेच सकते हैं। तो भी आपको इसमें 19 रुपये का आपका लागत आएगा, तो आप इसमें आपको 31 रुपये का जो है मुनाफा होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, आप इसे आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना एक स्टिकर लगाइए और स्टिकर लगाने के बाद में आप इसे मार्केट में सेल कीजिए। शुरू में आपको इसमें कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इस बिजनेस को पहले अपने करिए और प्रचार प्रसार अपना करिए, उसके बाद में आप जो है इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाइए और अन्य लाइसेंस लीजिए। दोस्तों शुरू में आपको किसी भी प्रकार की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।